अदालती जंग लड़ू का भागने वाला नहीं हूं, मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, खुदा और आवाम की अदालत में सुरखरू होऊंगा, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कारकुनों से खिताब। साबिक वज़ीर आज़म की मुश्किलात में एक और इजाफा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ की नैब रेफरेंसेज यकजा करने की अपील मुस्तरद कर दी। साबिक वज़ीर आज़म ने रजिस्ट्रार के एतराज़ात पर अपील दायर की थी। इन चैंबर समाप्त में रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार। तुर्बत में जाँबहक होने वाले 15 अफराद की नमाज जनाजा कुछ देर में अदा की जाएगी। मैयतें आबाई इलाकों को रवाना करने की तैयारियां मुकम्मल। जाँबहक होने वालों के लवाहिकीन का ताल्लुक गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और गुजरांवाला से था। कोयटा में दहशतगर्दों की फायरिंग से एसपी और अहले खाना की शहादत का मुकदमा दर्ज। नमाज जनाजा कुछ देर में अदा की जाएगी। वाके के खिलाफ वकला की हड़ताल, अदालती कार्रवाई का बायकॉट। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इलेक्शन एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत, धरना खत्म करें ताकि आवाम की मुश्किलात खत्म हो, जब मामला अदालत में हो तो सड़कों चौराहों को बंद नहीं किया जाता। चीफ जस्टिस के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए उन पर मुआफी मांगे, अदालत के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर आसिम को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। नाम ईसीएल से निकालने की दरख्वास्त मंजूर। कानून का मयार सबके लिए यकसां क्यों नहीं? संगीन गद्दारी समेत कई मुकदमात के मुल्जिम बाहर बैठे हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क। आम इंतखाबात के इनेकाद में हायल आईनी रुकावट दूर हो गई। नई हल्का बंदियों पर पार्लिमानी रहनुमाओं के दरमियान इत्तेफाक राय। नई हल्का बंदियों की तरमीम का बिल आज असेंबली में पेश होगा। मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियों का काम शुरू करेगा। और मुल्क भर में मौसम सरमा की बारिशों से सर्दी की लहर में इजाफा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में घनघोर घटाओं का राज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी का भी इम्कान। अस्सलाम।